मुखबिर की सूचना पर पुलिस एसओजी की टीम को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की 25,000 के इनमिया से हुई मुठभेड़। 25,000 के अपराधी इरफान की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में इरफान के पैरों में लगी गोली। घायल अपराधी इरफान को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। इरफान के ऊपर 3 जिलों में कई गंभीर धाराओं में है मुकदमे दर्ज। और रया कानपुर देहात में लूट जैसे कई वारदातों को दे चुका अंजाम। घायल हुए अपराधी को अस्पताल देखने पहुंचे SPCOSO सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। और रया दिबियापुर ककोर मुख्यालय की घटना। थाना दिबियापुर को और हमारी स्वॉट टीम एक चेकिंग जो कि मेरे द्वारा जनपद में ऑर्डर करी गई थी उसके क्रम में यहाँ पर दिबियापुर के ककोर रोड पर चेकिंग करी जा रही थी। उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिबियापुर से वांछित चल रहा था जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था जिसके ऊपर कानपुर में कई मुकदमे डकैती के साथ मर्डर के गैंगस्टर एक्ट के चोरी के दर्ज से जब इस अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है इसमें अपराधी का नाम इरफान उर्फ पुत्तन जो है ये घायल हुए हैं। इनके द्वारा पुलिस को जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी थी इन्होंने रिटेलिएट करते हुए फायरिंग करी थी जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस पर फायरिंग करी थी जिन पर इनके पैर में गोली लगी है और इलाजरत हेतु इनको हॉस्पिटल लाया गया है। इसमें जो आगे के जो इनके मुकदमे हैं उसमें और इनके बारे में छानबीन करी जा रही है अलग अलग जनपदों से इनके क्राइम हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है जिसमें आवश्यक विधि कार्रवाई आगे की जाए।